हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ अपनी रसोई की। तो ये सुबह सुबह का ही टाइम है, तो मुझे गंदी लग रही थी अपनी रसोई तो बहुत ज़्यादा, और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। ऑयल वगैरह इस पे जैसे हो जाता है। हमारे यहाँ चिमनी नहीं है, ना ही इसमें जैसे एग्जस्ट भी फैन है, तो थोड़ा सा हो जाता है, गंदी हो जाती है। तो बहुत दिन से साफ़ नहीं करी थी, तो आज मैंने थोड़ी सी लग गई हूँ सफाई करने में। डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी ही करूँगी। और जैसे मुझे कपड़ा गीला करके, मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, मुझे बस थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे साफ़ करनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा टच अप कर देती हूँ। और मुझे लग रही थी कि गंदी हो रही है तो करनी चाहिए। तो देखो, मुझे जल्दी टाइम मिल गया था, जैसे मेरे हस्बैंड वगैरह और ओम भी चले गए थे स्कूल, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। और आजकल छुट्टियां भी चल रही हैं कुछ, जैसे मेरी काव्या की छुट्टी हो गई हैं और ओम की, और उनकी अभी छुट्टी नहीं हुई आदि की। तो देखो, जल्दी जल्दी सफाई भी करूँगी, फिर बच्चों की फरमाइश पर बनाऊँगी दाल मखनी। तो अब छुट्टियाँ हो गई तो मैं अपनी, जैसे आप फ्रिज व्रिज के ऊपर से भी देखो, हम बहुत सी चीज़ें रख देते हैं, और ये मेरी ही हैबिट नहीं है, सबकी है कि कुछ चीज़ हुई तो फ्रिज के ऊपर रख दी। तो ये बहुत दिन से सोच रही थी मैं करूं सफाई अपने फ्रिज के ऊपर की और रसोई की करूं। थोड़ी सी ही की है मैंने, ज़्यादा नहीं की। और देखो, बीच में मुझे कुछ काम लग गया था, तो फिर मैं नहीं वीडियो बना पाई, क्योंकि आजकल देखो बच्चों की छुट्टियां भी हैं और मेम्बर्स भी बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है कि मैं अपनी जैसे वीडियो वगैरह पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाती। काम होता है तो फिर थोड़ा सा देखो, फिर लगता है जल्दी जल्दी काम ही हो जाए पहले, तो फिर इस वजह से। और अब मेरी वीडियो भी कम आती हैं, पड़ती हैं, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ जैसे मनोबल भी कम हो गया है मेरा, पहले मैं वीडियो बनाती थी, तो अब तो बस वीडियो डालनी ही है। और अब तो यूट्यूब भैया भी बेचारे मेरी वीडियो आगे नहीं बढ़ा रहे, पता नहीं क्या है, बढ़ा ले रही हैं या तो पता नहीं। लेकिन मैं पूरी जैसे अपनी सफाई 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्लीनिंग ब्लॉग डालूँ। देखो, अब मैं कैमरा इधर उधर कर रही हूँ, तो पूरा अकेले ही देखो सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ देखो, और अपनी रसोई को मैं टाइल्स को सारे को चमका दूँगी, और मैंने सर्फ का कपड़ा ले लिया है। तो देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर हम काम करें तो, हमें थोड़ा सा जैसे हम कट जाते हैं कई बार, आलस कट जाते हैं। और ये बोर्ड मेरा देखो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हो रही है डीप क्लीनिंग रसोई की। डीप नहीं, डीप तो हाँ, जैसे बाहर के डब्बे वगैरह नहीं कर रही मैं, लेकिन ये टाइल्स वगैरह तो मैं सारे साफ़ किए हैं। तो देखो, कुछ काम करने के लिए बार बार सोचना पड़ता है, कभी कभी लगता है चलो जल्दी कर लेते हैं, तो ये सफाई हो रही है मेरी। और देखो, मेरी पूजा वूजा हो गई है, तो आज नवमी है, तो मैं बैक कैमरे से पूजा वगैरह मेरी हो गई, तो आज हो गई हूँ मैं लेट, क्योंकि साफ़ सफाई करी थी। और देख लो ये कैसे मुझे देख रही है, और पूरा घर जैसे सब चीज़ें साफ़ करी हैं मैंने। तो टाइम लग गया, तो रसोई को तो मैं अधूरा ही दिखा पाई आपको, तो ये भी साफ़ करी थी मैंने रसोई, तो ऐसे सफाई करी है। और अब बनाएंगे दाल मखनी, तो रख देते हैं दाल मखनी। और टमाटर प्याज कट गई हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ पीसना है, तो और ये छोटे से चंक्स कर लिए हैं, तो पीसते हैं, करते हैं काम। और फिर मैं बनाने लगी थी दाल मखनी। तो देखो, बच्चों की फरमाइशें भी चलती हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन हम लोगों को लगता है कि बच्चों की फरमाइशें। और मैं नहा के आई हूँ, तो तुरंत ही मैं अपना काम पर लग गई हूँ, और मैंने आटा वाटा गूंध लिया था सुबह ही गूंध लिया था, तो फिर ये थोड़ा सा दाल मखनी का था, तो मैं दाल मखनी और थोड़ा सा रिफाइंड डाल दूँगी, और थोड़ा सा डालूँगी मक्खन, क्योंकि रिफाइंड मैं इसलिए डालूँगी क्योंकि ये मक्खन जले ना, तो घर का मक्खन है मेरा, और मुझे तेल ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे ऑयली चीज़ें कम पसंद हैं ज़्यादा। तो फिर मैंने, देखो मेरे पास मक्खन है घर का, और होममेड मक्खन है, और ये बहुत टेस्टी होता है, और हमारे घर में खाते भी हैं इसको, तो फिर मैं डाल दूँगी। तो देखो, चटकेगा, और मक्खन हमेशा चटकता है, क्योंकि इसमें जैसे मठे का अंश होता है थोड़ा सा। तो फिर हम प्याज ले लेंगे, काट ली थी मैंने, कट कर लिया था, छोटी छोटी कर ली थी, और ये काम मुस्कान ने कर दिया था कट करने का, तो थोड़ा काम आसान भी हो जाता है। तो जीरा डाल दिया था मैंने, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे प्याज को।
तो कट करके मैंने कर लिया था, और मिक्सी के जार में मैंने प्याज टमाटर सब में पीस लिए थे, तो अच्छे से पीस लेंगे। और दाल मखनी में मैंने पहले ही, और फिर मैंने डाल दी थी प्याज। दाल मखनी में मैंने पहले से ही लौंग, इलायची, दालचीनी ये सब मैंने डाल दी थी, तो बॉयल होने में डाल दी थी, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कौन कौन बनाता है बताना, और बहुत ही अच्छी लगती है दाल मखनी, मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो कम पसंद है, लेकिन बच्चों की फरमाइश भी, अब छुट्टियों में बच्चों की फरमाइशें ही होंगी, और अच्छा अच्छा खाने को मिलने के लिए तैयार रहते हैं बच्चे के, हमें ये चाहिए। और फिर मैं इसे मैश कर दूँगी, मेरे पे मैसर नहीं है, तो मैं इससे भी बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। और ये रही है दूध चलाने वाली होती है जैसे, तो पहले मेरे पे जैसे वो नहीं था, मक्खन निकालने वाला नहीं था, तो फिर ये मैंने हैंड ग्राइंडर नहीं था मेरे पास, तो फिर मैं इसी से निकालती थी। और अब डाल दिए हैं मैंने टमाटर, तो टमाटर फिर मैंने प्याज और सारी चीज़ें भून गई थी, तो इस अच्छे से इसे इसके मसाले को मैं भून लूँगी, फिर मैं डाल दूँगी नमक, तो अच्छे से हो जाएगा। और दाल मखनी में मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता, कई बार हम ज़्यादा डाल देते हैं। तो इधर जैसे मेरा मसाला भुन रहा है, तो मैं अपनी रसोई को समेट के रख दूँगी, मिक्सी वगैरह को रख दूँगी, और अपना काम भी करती रहती हूँ। तो छोटे मोटे काम हम जैसे हमारे मसाले वगैरह हो रहे हों, तो फिर मैं और कर देते हैं। और फिर डाल दिए हमने इसमें मलाई, तो मलाई को अच्छे से हम कर लेंगे, और बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी आई थी। और आपकी मैंने लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाई थी दाल मखनी, क्योंकि काली हो जाती है, तो आपके मैंने सिल्वर की कढ़ाई में ही बनाई थी। तो ये डाल दिया है मैंने, जैसे ये छोले मसाला है, मैंने वो नहीं डाला था जैसे दाल मखनी मसाला होता है, लेकिन इससे भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और ये मसाला मैं निकालूँगी टिंडे के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैं शाम को टिंडे बनाऊँगी। तो देखो कुछ ग्रेवी ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे लगा था चलो टिंडे की सब्ज़ी बनाएंगे। तो और ये दाल मखनी डाल दूँगी मैं इसमें, और बहुत अच्छा कलर आया था और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये जैसे सिल्वर की कढ़ाई बहुत ज़्यादा जैसे गर्म हो जाती है, तो देखो कितना अच्छा कलर आया है दाल मखनी का। तो अभी खोलने दूँगी, खदकने दूँगी, तो देखो टाइल्स वगैरह सब गंदे हो गए थे, तो मसाले से ज़्यादातर होते हैं टाइल्स गंदे। तो फिर पहले मैं अपनी रसोई को साफ़ करूँगी, और फिर मैं दिखाऊँगी इसके बाद में मेरी दाल मखनी कैसी बनी है, और बच्चों से भी पूछूँगी। और इसके साथ मैंने नान नहीं बनाई थी, क्योंकि अब काव्या का बर्थडे भी आने वाला है, तो फिर मैदे की चीज़ या पूड़ी वगैरह ही खाएंगे हम लोग। तो अब देखो मलाई से हम कर देंगे इसका टचअप, तो कैसी बनती है दाल मखनी दिखाऊँगी बैक कैमरे से। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, और रायता भी बनाऊंगी अभी। तो बच्चे तो जैसे नान की कह रहे थे, लेकिन मैंने नहीं बनाई, तो देखना आप कितनी टेस्टी, देखने में तो बहुत अच्छी बनी थी, खाने में तो और देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनी है। तो आप लोग भी खा लीजिए, और थाली बना के दिखाऊंगी मैं कि किस तरीके से बनी है मेरी। और फिर लगा देंगे हम रायते में चौंक, तो धुमार वाला रायता लगाया है चौंक डाल के, तो बहुत ही टेस्टी लगता है धुमार वाला रायता। तो फिर मैंने आम भी काट लिए थे, तो दिखाते हैं बनाते हैं काव्या के लिए पराठा। तो बच्चों को पराठा बहुत पसंद है, और किस किस के बच्चे पराठे खाते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत पराठा खाते हैं, ओम को तो बहुत ज़्यादा पसंद है पराठे, वो तो अचार से बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो सबके बच्चों को मैं जानती हूँ कि पराठे अच्छे ही लगते होंगे, तो दिखाते हैं और पूछते हैं बच्चों से किस तरीके की बनी है दाल मखनी, तो बच्चे बताएंगे खा के। किस किस के बच्चों को दाल मखनी पसंद है बताना कमेंट्स में। और आप पराठे बनके हो गए हैं तैयार, और देखो ये है मेरी स्पेशल थाली हो गई है तैयार, और बैक कैमरे से दिखाती हूँ और काव्या को देख आती हूँ। काव्या बहुत ज़्यादा भूखी है और अभी चिड़चिड़ी हो रही है, तो देते हैं। और छुट्टी हो गई है अब, इनके यही ड्रामे रहेंगे। तो ये हो गई है इसकी स्पेशल थाली, तो ये आम मांग रही थी, तो आम भी लेके चलती हूँ, और ये बताएगी कैसी बनी है। काव्या ले, पिंपल हो जाएगी, पिंपल ना हो रहे खा के बता, पिंपल आम से पिंपल नहीं होते सीजन के ये आम। और ये बहुत बहमी लड़की है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और देखो इसको खिलाती हूँ, आम मत खा पहले ये खा के देख, अब इसको खिलाती हूँ और बताएगी कैसी बनी है। अच्छी बनी है,
और इसका बर्थडे आ रहा है तो इसको पहले से ही सरप्राइज दिए जा रहे हैं कि दाल मखनी इसकी फेवरेट है। तो आई ये करी थी आज क्यों बनाई उसी दिन बनाते, तो अब ये बन रहे हैं और मुस्कान पड़ रही हैं इधर।